अगर किसी ने बब्बल जी को इस तरह देख लिया तो ये सपेरा तो इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, पानी डालेगा। पानी है? पानी पानी लो जी, पी लो पानी। बलदेव जी, बबल जी, अरे बबल जी कहाँ जा रहे हैं आप? रुक जाइए। इच्छा, इच्छा, अरे घर में पूजा चल रही है, उसे छोड़ के कहाँ भाग रही है तू? और क्या ढूंढ रही है? जबल भी वो मेरी चप्पल। चप्पल खो गई क्या तेरी? नहीं नहीं, वो चप्पल को ज्यादा ही टाइट है तो तेजी से चलकर उसे ढीला कर रही थी। अब ये बब्बल जी कहाँ चले गए? उनके लिए नाग बनना, नाग बनकर बाहर निकलना सब नया है, पता नहीं वो कैसे। भैया मुझे शिव जी के मंदिर जाना है, मैं चलती हूँ। अरे शिव जी के मंदिर क्यों? वो सर्पदोष की पूजा से पहले मुझे शिव जी का आशीर्वाद लेना है, मैं चलती हूँ। अच्छा अच्छा जल्दी आना, घर में भी पूजा चल रही है। इस पूजा का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। ये मंत्र जल मैं आपके घर के हर एक सदस्य पर छिड़कूंगा, घर के हर एक कोने में छिड़कूंगा, और उसके बाद ना रहेगा सर्प और ना रहेगा सर्प दोष। कौशल्या जी, मुझे ये मंत्र जल आपके घर के हर कमरे के हर कोने में छिड़कना है। आप मुझे ले चलेंगी ना? जरूर ले चलूंगी, लेकिन शुरुआत बबल के कमरे से करते हैं। हाँ, ये है बबल का कमरा। झूम झूम कर झूम लूं, घूम घूम कर घूम लूं, नाग जगत के सारे राज मैं अपनी बीन से ढूंढ लूं। मेरी बीन मुझे बिल्कुल सही निर्देश दे रही है, वो यही कहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हो बल्लू भाई, बबल तो बाहर गया हुआ है, वो तो यहाँ पे है ही नहीं। आपकी बीन गलत निर्देश दे रही है आपको। मैं इंसान की नहीं, मैं नाग की बात कर रहा हूँ। वो देखो भाई, अरे तुम तो सपेरे हो, जा पकड़ो इसे। अरे कौशल्या जी नहीं पकड़ सकता। क्यों, तुम तो सपेरे हो ना? कौशल्या जी ये बात आप जानती हैं, मैं जानता हूं, पर अब नाग थोड़ी जानता है। मानता है मतलब? अरे नाग आपको क्यों मानेगा, नाग के देवता सपेरे थोड़ी ना होते हैं। अबे तू चुप कर वरना तुझे ही भेज दूंगा नाग पकड़ने। मुझे तुम्हारा डर समझ में नहीं आ रहा है। कौशल्या जी बात दरअसल ये है कि नाग मुझे देखते ही गुस्से में आ जाते हैं। मुझे डर है कहीं मैं इसे पकड़ने गया और इसने आप में से किसी को डस लिया तो मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकता। तो अब नाग को पकड़ेगा कौन? इच्छा भी घर पर ना है, वो तो सांप को ऐसा पकड़ती जैसे मक्खी पकड़ने जा रही है। हाय, ये नाग तो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। सब जल्दी से इच्छा को फोन लगा। एक मिनट। आ,
कहाँ चले गए आप बब्बल जी? आपको इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए था। आपको तो ये भी नहीं पता कि नाग बनने के बाद फिर से इंसान कैसे बनते हैं। अब आप... हाँ सबल भैया। अरे इच्छा कहाँ है तू? अरे जल्दी घर आ जा यार, यहाँ पे बब्बल के रूम में नाग घुसा है। नाग? नाग दिखने में कैसा है? अरे दिखने में कैसा का क्या मतलब है? नाग जैसा है नाग और क्या? मेरा मतलब है भैया, उसके फन पर कोई निशान है? है? वो तो मैंने देखा ही नहीं ना। तो देखकर बताइए ना। अरे कैसी बातें कर रही है यार तू? अगर मैं नाग का निशान देखने गया तो दुनिया से मेरा नामो निशान मिट जाएगा। अच्छा निशान छोड़िए, उसका रंग कैसा है? रंग तो इसका ना हल्का काला सा रंग है और उसमें पट्टियां है। माँ, दादी, मैं हूँ। अरे यहाँ बैठा हूँ मैं। अब कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? कोई नाग नहीं है यहाँ पर। हेलो, अरे आप सुन रहे हो ना? अरे सोच क्या रहा है बलदेव, जा। कमाल है, इन लोगों को मेरी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? और इस सपेरे को यहाँ से हटाओ यार, ऐसे ताड़ रहा है मुझे जैसे सांप देखा हो। मैं कुछ पूछ सकता हूँ? पूछ। अरे हाँ हाँ सपेरा जी, आप इसकी पूछ पकड़ के इसे गोल गोल घुमा के घर से बाहर फेंक सकते हो। ए, ए नाग, आ, आ, जस ले मुझे, पर मुझे इससे छुड़ा। अरे बलदेव, तुम इसकी बातों पे ध्यान मत दो, अब ये बताओ इसका करना क्या है? इसे मार देना ही ठीक रहेगा। ये नाग कोई आम नाग नहीं है, बहुत ही खतरनाक नाग है। प्रबल प्रबल देख क्या रहे हो, जाके लट लेकर आओ और मारो इसे, कुचल दो इसका फन। ठीक है दादा। पता नहीं इच्छा कहाँ रह गई, अगर वो आ जाती तो इस बिचारे की जान बच जाती। अरे प्रबल प्रबल जल्दी आओ। हाँ दादी, आ जाओ भाई, आ जाओ, यहीं पे यहीं पे, आ जाओ आ जाओ, मारो 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 मारो। अरे नाना छोटे, पहला तू मार। अरे क्या डरते हो आप यार, ये लो मारता उसे। ये बड़ा कौन है? तू है ना बड़ा? आप मारो के पहले जाओ जाओ। अरे तुम लोग मारते हो या मैं मारूं इसे? ला लग दे मुझे। रुक जाइए, इस नाग को मारने की कोई जरूरत नहीं है। कौन मार रहा है, किसे मार रहा है? इच्छा, मारने की जरूरत नहीं मतलब? अरे ये बहुत खतरनाक है, काट लेगा। नहीं दादी, ये नाग बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, बल्कि ये तो इसी घर का सदस्य है। सदस्य? अरे कैसी बातें कर रही तू इच्छा, ना घर का सदस्य कैसे हो सकता है? अरे दादी कहीं पिताजी ने गोद तो नहीं ले लिया इसे? नहीं नहीं भैया, मेरा मतलब है जानवर हमारे दोस्त होते हैं, हमें उनसे प्यार करना चाहिए, उनके साथ घर के सदस्य की तरह बर्ताव करना चाहिए। और फिर नाग शिव जी को बहुत प्रिय है, उन्हें मारना ठीक नहीं होगा। आप लोग इससे दूर हटिए। इस नाग को आगे मत बढ़, ये नाग बहुत ही जहरीला है, डस लिया ना तो पानी भी नहीं मांगेगी। नाग मुझे कुछ नहीं कर सकते। दादी आप लोग बाहर रुके, मैं देखती हूँ। लेकिन छोटी तू संभालना। जी दादी, आप लोग जाइए। चलो चलो सब बाहर। हाँ। चलो चला। क्या हो गया है आपको बब्बल जी? मैं क्या करूं? काश मां को यहां होता। बापू यहां है। बापू, बब्बल जी ने तुझे देख लिया तो? लेकिन एक बात बता, मुझ में तो किसी से संपर्क करने की शक्ति नहीं है, फिर तू यहां? प्यार की शक्ति तो है, हमारे मन आपस में जुड़े हुए हैं, जब भी मुझे मन से आवाज दोगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। और जहां तक बब्बल जी का सवाल है, उसे कुछ समझ नहीं आएगा। तभी तो तू मेरा लाडला भाई है बाकू। अच्छा सुन,
भीम की आवाज सुनकर बब्बल जी नाग बन गए हैं और अब वो खुद इंसान का रूप नहीं ले सकते। ये काम हमें करना होगा और तू तो जानता है मेरे पास कोई। अभी कर देता हूँ। बब्बल जी अब ठीक तो है? आप थोड़ी देर बैठ जाइए। चलिए। अच्छा कुछ तो गड़बड़ है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाग आदमी सा कुछ था यहाँ। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। मेरा शरीर एक नाग की तरह हिचकोले ले रहा था और तुमने देखा घर के सभी लोग मुझे देखकर। जी आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब है ना, आपको बार बार चक्कर आ रहे हैं इसलिए आपको भ्रम हुआ है। आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। अच्छा ये कोई भ्रम नहीं है, तुमसे कह रहा हूँ ना कि मैं। मुझे मेरी जगह आईने में नाक क्यों दिखाई दे रहा है? अच्छा क्या है ये? अब तो बब्बल जी जान जाएंगे कि वो आज तक जब जब मैं आईने में दिखती थी अपनी प्रतिमा को इंसानी रूप में बदल देती थी, लेकिन बब्बल जी को तो वो भी नहीं आता। अच्छा ये क्या हो रहा है? मतलब मैं वाकई में एक नाग बन चुका हूँ मैं? नहीं, ऐसा तो बस फिल्मों में देखा है मैंने। अच्छा एक 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 एक, एक मकड़ी इंसान को काट लेती है और वो स्पाइडरमैन बन जाता है, लेकिन या तो मुझे किसी साहब ने काटा नहीं तो फिर मैं कैसे? अच्छा मैं कैसे नाग बन गया? क्यों कैसे मैं? अच्छा क्या हुआ, सांप को मार दिया? ये प्रबल भैया किसकी बात कर रहे हैं? ये और कोई नाग तो नहीं है? अच्छा मतलब तुम मुझे मारने आई हो? बब्बल जी कैसे बातें कर रहे हैं आप? मैं वाला आपको, बब्बल जी मैं तो आपको सपेरे से बचाने आई हूं। हां वो सपेरा, वो किसकी बात कर रहा था? मतलब वो मुझे मारने आया था? मतलब मैं वाकई में एक नाग बन चुका हूँ? बब्बल जी आप बब्बल जी हैं, आप कोई नाग वाग नहीं है, वो किसी और नाग की बात कर रहे होंगे। मैं उनसे कह देती हूँ कि वो नाग भाग गया, ठीक है? आप शांत हो जाइए। बब्बल तू यहाँ, तू कब आया? और वो नाग कहाँ गया? दादी वो नाग खिड़की से भाग गया। जाग गया? मतलब अब तक सोया हुआ था, लेकिन तूने उसे जगाया कैसे? प्रबल भैया नाग जागा नहीं, भागा है। और रही बात बब्बल जी की, तो वो तो तब से यही है जब से पूजा शुरू हुई है। अगर ये यही था तो हम जब यहाँ आए तो हमें दिखाई क्यों नहीं दिया? अभी वो बाथरूम में थे। इतनी देर से बाथरूम में क्या कर रहा था तू? जब बाहर इतना शोर रहा था बाहर क्यों नहीं आया तू? डरपोक। अरे चुप करो बावलो, तुम लोग बाहर जाओ, चलो बाहर जाओ। बलदेव तुम अपना काम करो, इस कमरे में मंत्र जल छिड़को, ज्यादा छिड़कना या ज्यादा गड़बड़ है। और हाँ सबसे पहले बबल पे छिड़को। नहीं इच्छा, ये मंत्र जल बबल जी पर, बब्बल जी तुरंत नाग बन जाएंगे और फिर पकड़े जाएंगे। हो सकता है जल के प्रभाव से उनकी जान। छिड़क लिया, आप बाकी के कमरों में भी छिड़क दीजिए। बब्बल जी आप ठीक तो हैं? कौशल्या जी पूजा संपन्न हुई, सर्प दोष नष्ट हो चुका है, अब इस घर को सांपों से कोई भय नहीं। आज के बाद कोई भी सांप इस घर में प्रवेश नहीं कर सकता। बलदेव तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हमारा बहुत बड़ा काम किया। ये रही तुम्हारी दक्षिणा। आपका भी धन्यवाद। अच्छा सुनिए, मेरे घर में रिपेयरिंग का काम चल रहा है, इसलिए कुछ दिन
मैं मंदिर के पास वाली धर्मशाला में ही रखूंगा। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हुई तो आप मुझसे वहां आकर मिल सकती हैं। चलता हूं, झूम झूम के झूम लूं, घूम घूम के घूम लूं, नाग जगत के सारे राज मैं अपनी बीन से ढूंढ लूं। मेरी तो समझ में नहीं आ रही कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अरे कल मुझे किसी बिल में जाके सोने का मन कर रहा था और वो चील को देखकर डर लग रहा था मुझे। इच्छा, ये सारे लक्षण तो मतलब मैं इच्छा, मुझे अब तक लग रहा था कि ये सब मेरे मन का खेल है, भ्रम है मेरा। लेकिन ऐसा नहीं, मैंने अपने आप को नाग के रूप में आईने में देखा। इसका मतलब यह है कि मैं एक नाग बन चुका हूं और यही सच्चाई है। इच्छा, तुम मेरे पास बताओ, दूर रहो मुझसे। क्यों? क्योंकि मैं एक नाग और मेरे करीब आना मतलब। नहीं बब्बल, जब कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आपसे दूर कैसे रह सकती हूँ, हम दोनों पति पत्नी है। अब तो हमें इस रिश्ते के बारे में भी सोचना होगा। क्या सोचना होगा? इच्छा, मुझे लगता है हमें हमारा रिश्ता यही इसी वक्त खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब मैं इंसान नहीं रहा, नाग बन चुका हूं और एक नाग और इंसान का मिलन कभी नहीं हो सकता। ये कैसी बातें कर रहे हैं बब्बल जी, जिंदगी में हादसे होते रहते हैं, लेकिन दुनिया का कोई भी हादसा प्यार करने वालों को अलग नहीं कर सकता। मैंने आपसे प्यार किया है, मैं हर हालात में आपके साथ। इच्छा, समझने की कोशिश करो, ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है। मैं एक नाग बन चुका हूँ, एक नाग और एक नाग और एक इंसान एक साथ कैसे नहीं। इच्छा, ये गलत है, और अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? आपकी वजह से इच्छा की जिंदगी बस आबाद हो सकती है, बर्बाद नहीं। आप किसी भी रूप में हो, चाहे इंसान या नाग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बब्बल जी। लेकिन इच्छा, मुझे फर्क पड़ता है, ये मुमकिन नहीं है। इच्छा, तुम जज्बाती होकर। नहीं बब्बल जी, मैं जज्बाती नहीं हो रही हूँ। मेरा मतलब है, हो सकता है ये कुछ दिनों की बात हो, आप फिर से इंसान बन जाए और हम। और अगर नहीं बन पाया तो? हाँ, अगर मैं इंसान नहीं बन पाया तो? इच्छा, ये सब बहुत अजीब है, और ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम नहीं जानते। और जिस बीमारी की जड़ पता ही नहीं, उसका इलाज कैसे होगा? अच्छा इच्छा, तुम्हारी ड्यूटी तसल्ली सच को बदल लेने वाली है। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, और अब मैं नाग बनकर कैसे जी पाऊंगा। जिंदगी में पहली बार खुद को बेबस महसूस कर रहा हूं मैं। इस नाग की जिंदगी से छुटकारा चाहता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। एक इंसान से नाग बनकर कैसा लगता है अच्छा, तुम कभी नहीं समझो। मैं ही समझ सकती हूँ बब्बल जी, बल्कि मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं खुद एक इच्छाधारी नागिन हूँ।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.